आज है गुजरात ट्रिप का 5th डे। कल हम सोमनाथ टेम्पल विजिट किए थे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वन टाइम। सोमनाथ टेम्पल के अलावा बहुत सारा नियर बाई अट्रैक्शन पॉइंट घूमने लायक है। उसमें से आज हम कवर करेंगे त्रिवेणी संगम, कामनाथ महादेव मंदिर, शारदा मठ, सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड, पंचपांडव गुहा और हिंगलाज माताजी टेम्पल। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम विजिट करेंगे त्रिवेणी संगम। ये है त्रिवेणी संगम का गेट। गेट के आसपास पार्किंग स्पेस उतना नहीं था, इसलिए हम लोग त्रिवेणी संगम का स्टार्टिंग पॉइंट में गाड़ी को पार्क कर दिए थे। त्रिवेणी संगम में हिरन रिवर, कापिला रिवर एंड सरस्वती रिवर मीट करता है और वहां से अरब सागर में मिलता है। हाउएवर वर्तमान में सरस्वती रिवर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में दिया गया है। गूगल मैप में त्रिवेणी संगम एक हिरन की फेस की जैसा आकार बनाता है। भक्तगण यहाँ पर पूजा करके पूजा सामग्री पानी में डाल देते हैं, इसीलिए पानी का क्वालिटी समय के साथ खराब होता दिख रहा है। नहीं तो ये माना जाता है कि त्रिवेणी संगम इतना पवित्र स्थान हुआ करता था कि हिंदुओं मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते थे। अभी थोड़ा गर्मी का टाइम चल रहा है, बट त्रिशान इज स्टिल एंजॉयिंग। अभी हम विजिट करने जा रहे हैं शारदा पीठ सोमनाथ की, जो त्रिवेणी संगम की गेट से जस्ट रोड की ऑपोजिट साइड में है। थोड़ा पीछे जो पुराना टेंपल दिख रहा है वो है कामनाथ महादेव मंदिर। वहाँ पर मोबाइल रेस्ट्रिक्टेड था। शारदा मठ की बगल में एक गली से होते हुए थोड़ा ऊपर आने पर आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेगा सूर्य टेम्पल, सूर्य कुंड, पंचपांडव गुहा अर्थात हिंगलज माताजी टेम्पल। यह है सूर्य मंदिर, जो गुजरात की सबसे प्राचीन शान टेम्पलों में से एक है। ये माना जाता है कि पंचपांडव अज्ञातवास का समय काल में सूर्य देव का यहाँ पर पूजा करते थे। मंदिर का जो पेरिफेरियल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बाद में 14th सेंचुरी में बनाया गया था। अभी हम जा रहे हैं सूर्य कुंड देखने। ये काफी पुरानी एक स्टेप ऑयल है। पानी का अंदर से एक बड़ा सा मछली बीच बीच में ऊपर आ रहा था। ये है पंचपांडव गुहा उर्फ हिंगलज माताजी टेंपल। पांडवों का कुल देवी था हिंगलज माताजी। इस गुहा में पंचपांडव शिवजी और हिंगलज माताजी की आराधना करते थे। एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुने, इस गुहा के अंदर जाने के लिए एक नैरो होल में वर्टिकल स्टेयर्स का थ्रू नीचे जाना पड़ता है। अनहेल्दी और एजेड लोग अंदर ना जाए क्योंकि सफोकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। आज का ट्रिप हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में।